शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभाग क्रमांक 17 में आने वाले रामनगर में कई समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और पार्षद विजय चुटेले का इस ओर कतई ध्यान नहीं है। ऐसे कई आरोप परिसर के महिलाओं ने लगाए थे। इस बारे में इनबीसीएन ने पार्षद विजय चुटेले से बातचीत की तो उन्होंने तमाम आरोपों का खंडन किया है। रामबाग में कई समस्याओं का अंबार लगा है, ऐसी कई शिकायतें परिसर के महिलाओं ने इनबीसीएन के समक्ष की थी। इतना ही नहीं तो परिसर के नलों में गंदा मैला पानी आने की भी शिकायत महिलाओं ने की थी। इस बारे में परिसर के महिलाओं ने इनबीसीएन के समक्ष जानकारी देते हुए ये भी बताया था कि वहां पे अस्वच्छता का आलम है। उस समय में इनबीसीएन की टीम ने वहाँ के शिकायतकर्ता महिलाओं से बातचीत की थी, लेकिन उस समय में इनबीसीएन की टीम ने प्रभाग 17 के पार्षद विजय चुटेले से मिलना चाहा था, लेकिन किसी कारणवश तब संपर्क नहीं हुआ था। आज उनसे संपर्क होते ही इनबीसीएन ने उन्हें रामबाग समस्या से अवगत कराकर न्यूज दिखाई। न्यूज देखने के बाद उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए यह जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। प्रभाग 17 के नगर सेवक विजय चुटेले हमारे साथ में, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि रामबाग में लोगों ने काफी शिकायत की थी कि वहां पे अस्वच्छता का आलम है और नलों में गंदा मैला पानी आ रहा है, ये पूरा क्या मसला है उन्हीं से जानते हैं। इस समय में वे हमारे साथ है। विजय जी, ये बताओ कि जिस तरह से आप उस प्रभाग 17 के पार्षद हो और वहाँ पे जो एक आलम है गंदा मैला पूरा जो पानी आता है, उन लोगों का कहना है और वहाँ के अस्वच्छता का आलम है, आप एक नगर से को क्या आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, लोगों की काफ़ी शिकायत है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये न्यूज़ मैंने भी बीच में देखा कि इस प्रकार से जो कुछ लोगों ने वहाँ पे आरोप लगाया कि वहाँ पे सफाई बराबर नहीं हो रही है और पानी बराबर नहीं आ पा रहा, ये सरासर जो आरोप है ये इसका मैं निषेध करता हूँ, क्योंकि रामबाग जो परिसर है वहाँ पर हमारे जो जमादार काम करते हैं वो निश्चित तौर पर निरंतर वहाँ पर सफाई के कार्यों में लगे हुए। आपको मालूम है कचरे की जो समस्या थी पहले, आज कनक कंपनी थी, कनक कंपनी के मार्फत जो कचरा उठाया जाता था वो जो बड़ी बड़ी गलियों में गाड़ी जाती थी और वहीं का कचरा वहाँ साफ किया जाता, लेकिन अभी जो नई कंपनी आई है BVG, उसके आने से इस प्रभाग क्रमांक 17 में पूरी 99% जो समस्या है 99% समस्या कचरे की समाप्त हुई है। और आपको पता है कि गाड़ियों के माध्यम से तो कचरा उठाया जा रहा है, उसके बावजूद जो छोटी छोटी गली है जहाँ गाड़ियाँ ना जा पाती है, वैसी ही जगह पे डस्टबिन के माध्यम से घर घर का कचरा उठाने का काम ये कंपनी बखूबी कर रही है। और जिस प्रकार से जो नलों की बात थी कि जो नलों में गंदा पानी आ रहा है, आपको मैं बता दूँ कि ऐसी कोई समस्या इस प्रभाग में है नहीं। हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कोई काम अगर चालू रहता है, कहीं अगर OCW काम करती है, कोई पाइप का दुरुस्ती का काम अगर चालू रहता है, नई लाइन अगर डालने का काम चल रहता है, उस समय में जो फिटिंग करने के दरमियान जो कचरा और मट्टी पाइप के अंदर फंसी रहती है, बस वही अगर जिस समय अपने वाल चालू करते हैं तो शुरुआत में अगर 1-2 मिनट अगर ऐसी समस्या अगर हो सकती है तो ये मैं मान्य कर सकता हूँ, लेकिन निरंतर वहाँ पर गंदा पानी आ रहा है और लोगों को पानी पीने की नौबत अगर आई है तो ऐसा कुछ प्रभाग में है नहीं। जो भी न्यूज इस प्रकार की जो बनाई गई थी वो न्यूज सिर्फ आरोप करने के लिए थी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो इस प्रकार का इन्होंने खंडन किया है। विजय चुटेले पार्षद का यह कहना है कि सिर्फ आरोप लगाने के लिए बातें की गई थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वहाँ पानी अच्छा रहा है, वहाँ पूरी तरह से स्वच्छता है, ये उनका दावा है। अब दावे प्रतिदावे या आरोप प्रत्यारोप ये यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि चुनाव के दंगल जो नज़दीक है और घोड़ा मैदान नज़दीक है, इसलिए नागरिकों के हितों में काम होना चाहिए, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो या देश के प्रधानमंत्री हो, क्योंकि देश का नागरिक ये सर्वतोपरि बड़ा है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।